सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत होने की बात बताई जा रही है। दरअसल आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह सुबह नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ है और इस हादसे में फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे 7 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मैगी फैक्ट्री में धमाके के कारण बगल के चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके अंदर काम कर रहे 2 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। वही घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर SSP जयंत कांत के अलावे जिलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं। दरअसल आपको बताते चले कि यह हादसा मुजफ्फरपुर शहर के वेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला फेज 2 का है, जहां नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटने से भीषण धमाका हुआ और धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा इतना जोरदार था कि शवों की शिनाख्त करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर टीम भी रेस्क्यू कर रही है। वहीं घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के करीब 1000 लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जिससे घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है। तो बड़ी खबर हम आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां सुबह सुबह नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ है और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत होने की बात बताई जा रही है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।